हेलो दोस्तों, मैं आपको अपना भाई रामचंद्र ले रहा हूँ। वीडियो आप अपने चैनल प्रयासन क्लास में। आज सावन का चौथा सोमवार है और हम हमेशा की तरह पांचाल घाट पर गंगा स्नान करने आए हैं। नज़ारा जाते हैं गंगा नहाने, स्नान करने। अभी हम लोग घाट के नीचे की तरफ जाते हुए और ये गंगा का नज़ारा है और पुल पर आप देख सकते हैं पांचाल घाट के पुल पर कितना ज़्यादा भीड़ है। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक है। आज है सावन का चौथा सोमवार है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर श्रद्धालु और कांवड़िए जो हैं माँ गंगा के जल भरने और माँ गंगा का स्नान करने के लिए, महादेव को जल चढ़ाने के लिए यहाँ से जल भर के लेके जाते हैं। और ये यहाँ पर बाइक स्टैंड है, तो ये कुछ इस तरीके का बाइक स्टैंड है और माँ रामी माँ गंगा का दर्शन करते स्नान करेंगे और पापा हमेशा की तरह मेरे साथ गंगा स्नान करने के लिए पीछे पीछे चलते हुए। और ये कुछ कांवड़िए जो हैं ये आए हुए हैं अपना मन्नत मांगे हुए लोग अपने मन्नत मांगने के लिए यहाँ से जल जगह के लेके जाते हैं और जगह जगह पर महादेव के मंदिर में जल चढ़ाते हैं। पापा आगे चलते हुए, मैं पापा के पीछे जाते हुए मंदिर और पांचाल घाट का पुल है और ये माँ गंगा के घाट पर पीछे उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर दो बाबा बैठे हुए जो पहले भी यहाँ पर मेरी वीडियो में देखा होगा, लास्ट टाइम मेरी वीडियो में देखा होगा जो बाबा यहाँ पर बैठे हुए थे, वो आज फिर से बैठे हुए हैं। और घाट पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और पहले की तुलना में पानी कुछ ज़्यादा ही है। और ये बाबा देखते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम लोग कहाँ पर बैठते हैं, गंगा स्नान करते हैं। पापा धीरे धीरे पीछे सीधे से उतरते हुए और ये देख सकते हैं आप माँ गंगा का जल स्तर पहले की तुलना में अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लोग नाव से इस तरफ से उस तरफ जाते रहते हैं और कोई इस तरफ नहाता है तो कोई उस तरफ नहाता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो है गंगा जी में काफ़ी नाव जो हैं चल रही हैं जो इधर से उधर जाती रहती हैं पूरे दिन। और आप देख सकते हैं गंगा का जल स्तर कुछ ऊँचाई से मतलब जो खतरे के निशान इसके पास पहुंच गया है और ये नाव खड़ी हुई है यहाँ पे। कुछ यात्री मतलब श्रद्धालु जो है बैठ गए हैं जो कि शायद गंगा के उस तरफ घाट पर गंगा स्नान करेंगे और ये नाव पर बैठकर उस तरफ जाएंगे। ये पंडित जी हैं जो कि यहाँ पर सभी के तिलक वगैरह लगाते हैं और ये हमारे पापा हैं। ये मंदिर है, ये मंदिर नहीं है मतलब प्रसाद ग्रह का दुकान है। लोग यहाँ पे काफ़ी मात्रा में गंगा नहाने आते हैं, अपना पाप धुल ले आते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे गंदगी फैली हुई है और भीड़ भी कुछ ज़्यादा है, तो अभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को नहाना कहाँ पे है। मैं मेरे पापा मेरे साथ में चल रहे हैं। अभी वो डिसाइड नहीं कर पाए कि हम लोगों को नहाना कहाँ पे है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पे बेटर लगता है, तो हम लोग वहाँ पे
गंगा स्नान करेंगे और यहाँ पे लोग गंगा स्नान करके अपने कपड़े बदलते हुए पापा हमारे पीछे पीछे आते हुए बैग लेकर लोग देख सकते हैं। गंगा का जल स्तर इस तरफ थोड़ा कम है और गंगा की उस तरफ पानी का जल स्तर कुछ ज़्यादा है और गंगा का बहाव भी बहुत ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा तेज़ है गंगा का बहाव। तो हम तो किनारे ही नहाएंगे, पापा भी मेरे किनारे ही नहाएंगे। लोग नहा कर वापस जाते हुए और ये कुछ भाई लोग हैं जो नहा के वापस निकलते हुए गंगा से। सावन का चौथा सोमवार है और हम हमेशा की तरह गंगा नहाने आए हैं, लेकिन लास्ट सोमवार है। बस थोड़ी देर में गंगा नहाने जा रहे हैं, गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद जो कंटिन्यू करते हैं आगे का और देखते हैं गंगा का नज़ारा कुछ ऐसा है। मेरे पापा जो है गंगा नहाने के लिए गंगा में नीचे की तरफ सीढ़ियों से जाते हुए गंगा स्नान करने के लिए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और पापा अभी जल भरने जा रहे हैं, अभी वो जल भरेंगे, उसके बाद मैं गंगा स्नान करेंगे। पापा डुबकी लगाते हुए गंगा जी में, और उसके बाद दूसरों में गंगा जल भरेंगे। इधर साइड पानी कम है और घाट के उस तरफ पानी थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर कांवड़ यात्रियों की भीड़ भी है। यहाँ देखियो पापा, ये बस एक एक फोटो गंगा का आनंद लेते हुए। गंगा स्नान कर लिया है और ये वापस में
बैग रखे हुए हैं वहाँ पर आते हुए, पापा ने जल भी भर लिया है। यहाँ पर हमारा गंगा स्नान हो गया है और अब हम यहाँ पर कपड़े पहनकर प्रसाद वसाद चढ़ाकर और तिलक लगा के फिर वापस घर को जाते हुए पापा जो है मेरे प्रसाद लेने के लिए जा रहे हैं। अभी हम प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे लेकर माँ गंगा को प्रसाद चढ़ा के उसके बाद माथे पर तिलक लगा के उसके बाद हम घर वापस जाएंगे। क्योंकि बच्चे स्टॉल लगाई हुई है प्रसाद की और पापा हमारे प्रसाद लेते हुए पापा ने पैसे दिए और प्रसाद लिया। अब हम जल्द से जल्द यहाँ पे माँ गंगा को प्रसाद चढ़ाएंगे, गंगा जी को, उसके बाद यहाँ से वापस घर को जाएंगे। पापा ने प्रसाद ले लिया तो अभी हमने गंगा जी में प्रसाद चढ़ा दिया है और अब हम तिलक लगाने के लिए पंडित जी के पास खड़े हो गए हैं। पंडित जी के पास काफ़ी भीड़ है और पापा हमारे साइड में खड़े हुए हैं, जितनी पहले की तरह सीधा देंगे और उसके बाद हम लोग तिलक लगाएंगे पापा। और यहाँ पे पहले से कुछ खड़े श्रद्धालु हैं जो कि टीका लगवा रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। जैसे ही ये लोग कटेंगे तो हम अपना माथे पे टीका लगवाएंगे। पापा भी इंतज़ार कर रहे हैं टीका लगाने का और मैं भी वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे पीछे पुलिस वाले भाई खड़े हुए हैं और पंडित जी व्यस्त हैं अपने काम में, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं और यहाँ पे इस बच्चे के तिलक लगा रहे हैं। मैं भी तिलक लगवाऊँगा, जब तक वेट करेंगे हम तिलक लगाने का। और यहाँ पे ये बच्ची के तिलक लगा दिया पंडित जी ने। यहाँ पे एक बच्चा और है, उसके भी तिलक लग रहा है, ये इसके भी तिलक लगा दिया है माथे पे पंडित जी ने। इसके बाद मैं भी तिलक लगवाऊंगा यहाँ पे। इन बच्चों का, ये फैमिली का तिलक का काम पूरा हो गया है। अब यहाँ पे हम अपने पापा के साथ तिलक लगवाएंगे। पंडित जी कुछ मंत्र वहाँ पढ़ रहे हैं और पापा हमारे हाथ में सीधा पकड़े हुए पंडित जी को देने के लिए। ये पंडित जी को पापा ने सीधा दे दिया और पंडित जी ने अपनी बोरी में सीधा रख दिया है। और ये हमारे पापा को माथे पर तिलक लगा दिया है और मैं भी अपने माथे पर तिलक लगवा रहा हूँ। ये पंडित जी ने मेरे माथे पर पूरा का पूरा माथा जो है अपनी हाथ की उंगलियों से ये टीका लगा दिया है तिलक जैसा, कि ये तिलक ऊपर को लगा दिया है। तो गाइस कमेंट करके बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ
हम अपने बाइक स्टैंड पर आ गए जहाँ पर मैंने बाइक खड़ा किया हुआ था। आप देख सकते हैं बाइक बाइकों की लाइन लगी हुई है। इसी के साथ हम अपना व्लॉग जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। प्रयास एंड ब्लॉग्स का नाम से हमारा चैनल है। थैंक यू।